हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्याम चौहान, यू वॉचिंग एसके कार वर्ल्ड। और सामने अपना है टाटा टियागो जेड एक्स प्लस वेरिएंट है। अब बात करें इसके, देखो डिजाइन लैंग्वेज की, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी की। देखो सेफ्टी में यह है 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैप में, क्योंकि इसके अंदर बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है 2 एयरबैग के साथ में। अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की। तो देखो डिज़ाइन लैंग्वेज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट यूनिट की। अब हेडलाइट यूनिट की अगर हम बात करें तो आपको इसके अंदर प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर बेस दोनों हेडलाइट आपको इसके अंदर मिल जाती है। ये आपको हाई बीम के लिए मिलती है, ये आपको लो बीम के लिए मिलती है, दोनों हेलोजन है। यहाँ पर आपको इसका इंडिकेटर मिलता है जो कि हेलोजन के अंदर ही, सॉरी हेलोजन बल्ब के अंदर ही आपको इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो इसका फॉग लैंप, ये अब आप ये भी आपको हेलोजन में मिल जाता है। ये इसकी आप देख रहे हो DRLs जो कि LED बेस आपको मिलती है। यहाँ पर आपको इसका मिलता है टोइंग हुक। और अगर हम बात करें इसके ग्रिल की, तो ग्रिल के अंदर आपको टाटा का जो नया डिज़ाइन लैंग्वेज है ट्राई एरो वाला, वो आपको इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता है। बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर आपको मिलता है टाटा का बड़ा सा लोगो। इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है इसके वेंट्स वगैरह जो कि इंजन को कूलिंग के लिए हमेशा काम आते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। देखो साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी नज़र जाएंगी ये जो खूबसूरत से जो अलॉय व्हील्स यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके ऊपर हमारी सबसे पहले नज़र जाएगी। और इसके अंदर आपको फ्रंट टायर में आपको डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाता है। अगर बात करें हम इसके अंदर टायर साइज़ की, तो आपको इसके अंदर 15 इंच के जो टायर है वो जो है मिल जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम इसके ORBM की। तो अगर ORBM की बात करें तो ये आपको पियानो फिनिश के अंदर मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर। और इसी के अंदर आपको इसका इंडिकेटर जो है वो भी मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें इसके डोर हैंडल की, तो देखो डोर हैंडल के अंदर आपको क्रोम फिनिश जो है वो मिल जाती है। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत मिलती है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो देखो रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो टेल लैंप है इसके अंदर आपको टोटली जो हेलोजन बेस आपको सेटअप जो है मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इसका रियर पार्किंग ब्रेक मतलब जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसका इंडिकेटर मिल जाता है जो कि हेलोजन के अंदर आपको इसका मिल जाता है। बीच में आपको टाटा का लोगो, इसके नीचे आपको टियागो का लोगो जो है वो भी मिल जाता है। इसके नीचे आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो मिल जाता है। एक खूबसूरत सी क्रोम पट्टी जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है बूट लिड पर, डिफोगर वाइपर वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप जो है वो भी मिलता है। ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज आप देख रहे हैं ये आपको थोड़ा स्पॉइलर टाइप जो लिखा है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत देखने को लगता है। यहाँ पर आप देख रहे हो वोकल फॉर लोकल की बेजिंग। अब अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस जो है वो आपको 242 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। बूट लिड जो है वो ये अपने आप ही ओपन हो जाती है, जो पूरी तरीके से हाइड्रोलिक स्ट्रट्स पर जो है टिकी हुई है, थोड़े से इशारे के बाद में अपने आप ही पूरी ओपन हो जाती है। अगर बूट लिड की बात करें तो ये आपको पूरी तरीके से वेल्ड कवर जो है मिलती है। यहाँ पर आपको बूट को बंद करने के लिए थोड़ा स्पेस और मिल जाता है। अब अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो ये आपको 242 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है, जो कि पूरी तरीके से आपको वेल्ड कवर इसके अंदर मिलता है। और अगर हम बात करें इसके स्पेयर व्हील की, तो ये आपको एक साइज़ छोटा मिलता है, यानी कि 14 इंची का इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील जो है वो मिल जाता है। पार्सल ट्रे की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ज़बरदस्त क्वालिटी इसके अंदर आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके रियर सीट की। बूट को करते हैं बंद, अब चलते हैं इसके रियर सीट की तरफ। रियर सीट से पहले हम देख लेते हैं इसका सेकेंड डोर जो है उसको, उसकी ओपनिंग की बात करें तो उसकी ओपनिंग जो है डिसेंट इनफ आपको इसके अंदर मिल जाती है। फिर बात करते हैं इसके डोर ट्रिम की। देखो डोर ट्रिम में क्या है, ड्यूअल टोन कलर आपको इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसका ट्विटर की जो जगह है वो मिल जाती है। इसके अंदर 4 स्पीकर 4 ट्विटर का म्यूजिक सिस्टम जो आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ पर मिलता है। ये आपका इसका डोर लीवर है वो मिलता है क्रोम के अंदर। यहाँ पर इसका जो स्पीकर ग्रिल है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको वाटर होल्डर मिल जाता है। प्लास्टिक मटेरियल की सिलेक्शन की अगर बात करें तो अच्छा मटेरियल सिलेक्शन यूज़ किया गया है। फिट एंड फिनिश लेवल भी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखता है। अब बात कर लेते हैं इसके रियर सीट की। तो रियर सीट में आपको अगर हम बात करें इसके थाई सपोर्ट की, तो ज़बरदस्त थाई सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। और काफ़ी अच्छी कुशनिंग इसकी हमें मिलती है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है। इसका मतलब ये है जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो आपको थकान महसूस नहीं होती। अगर हेडरेस्ट की बात करें तो आपको इसके अंदर फिक्स टाइप हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हमें इसके अंदर स्पेस कितना मिलता है, तो अंदर बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके लेग रूम की। तो देखो लेग रूम जो है वो अच्छा खासा आपको इसके अंदर
जो है मिल जाता है, आप आराम से पेड़ को जो है फैला सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके नीरूम की, तो नीरूम भी आपको अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके थाई स्पॉट की। देखो थाई स्पॉट जो है वो आप अपनी अपनी हाइट के हिसाब से आप देख सकते हो, बाकी जो दे अगर आप ऐसे बैठते हो तो थाई स्पॉट ओके ओके है, मतलब है ज़रूर, और अगर ऐसे बैठते हो तो फिर तो क्या ही कहने, बहुत ही अच्छा थाई स्पॉट आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि तीन जने आराम से बैठ सकते हैं। तो देखो पूरी तरीके से आपको बेंच टाइप सीट मिलती है, तो तीन जने तो आराम से बैठ सकते हैं, बस बीच वाले के लिए जो है हेडरेस्ट जो है आपको नहीं मिलता। इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको उसका डोर सॉरी तो यहाँ पर आपको इसका ग्रिप हैंडल मिलता है, जो कि सॉफ्ट क्लोज के साथ आप तो यहाँ पर आपको इसका ग्रिप हैंडल मिलता है जो कि सॉफ्ट क्लोज के साथ तो नहीं मिलता, बाकी सब चीज़ें तो आपको वही मिलती है। और किसी भी प्रकार की आपको पीछे की तरफ आपको एसी जो है वो देखने को नहीं मिलती। अब मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। देखो डैशबोर्ड आपको यहाँ से कैसा भी नज़र आए, पर असलियत तो यह है कि इसका जो डैशबोर्ड है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलता है। बाकी बात करते हैं हम आगे चलकर। अब बात कर लेते हैं हम इसके फ्रंट डोर की। देखो फ्रंट डोर जो है उसकी अगर ओपनिंग की बात करें तो अच्छी खासी ओपनिंग आपको मिलती है। डोर बहुत ही बड़ा है जिसकी वजह से ओपनिंग में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं मिलती। अब डोर ट्रिम की अगर हम बात करें तो वही आपको मैंने बताया था, डुअल टोन में आपको इसका जो डोर ट्रिम है वो मिल जाता है। डोर हैंडल क्रोम के अंदर, यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं और लॉक सॉरी चाइल्ड लॉक का कंट्रोल जो आपको इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस और मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक वाटर होल्डर मिलता है, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ पर और मिलता है। इस तरफ आपको मिलता है इसके ORVM के कंट्रोल, यहाँ पर आपको इसकी स्पीकर ग्रिल मिलती है। अब बात और यहाँ सॉरी यहाँ पर आपको मिलता है इसका एक और ट्विटर, यानी कि चार ट्विटर चार स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो कि JBL बेस आपको इसके अंदर मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइवर सीट की। देखो ड्राइवर सीट की अगर थाई स्पॉट की अगर बात करें तो थाई स्पॉट जो है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया थाई स्पॉट इसके अंदर मिलता है, कुशनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जो बकेट टाइप सीट है ये आपको अच्छी तरीके से जो है होल्ड करके आपको रखती है। अब देखो बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट की। देखो रिक्लाइन हाइट और आगे और पीछे आप तीनों ही जो इसके एडजस्टमेंट है वो मैनुअल कर सकते हैं। बाकी बातें करते हैं इसके अंदर बैठकर। चलिए डोर को करते हैं बंद, ठीक है। पहली बात, जैसे आप इसके अंदर बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप एक एंट्री सेगमेंट की कार में आप बैठे हो। दूसरी बात, इसका जो फील है टच इन मटेरियल है बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसके अंदर मिलता है, प्लास्टिक क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। देखो फिट इन फिनिश जो है हाँ ठीक है, अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, पर यह नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बेकार है, बहुत ज़बरदस्त आपको इसके अंदर फिट एंड फिनिश मिलती है। दूसरी बात, प्लास्टिक मटेरियल जो है बहुत ही अच्छा सेलेक्ट किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं है। ये आपको ग्रैप हैंडल मिलता है जो सॉफ्ट क्लोज में नहीं मिलता। यहाँ पर आपको मिरर तो मिलता है लेकिन लाइट नहीं मिलती। इस तरफ आपको मिरर लाइट कुछ नहीं मिलता, हाँ आपको टिकट होल्डर जो है ज़रूर मिलता है। और IRVM की बात करें तो आपको डे और नाइट मैनुअल आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग व्हील तो नहीं मिलता, हाँ इसके अंदर आपको कंट्रोल्स जो है ये आप देख रहे हो टेलीफोनी के, वॉइस असिस्ट के, ये सब कंट्रोल जो है ये आपको इसके मिलते हैं। और अगर आपको इसकी जो MID है सॉरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसको अगर कंट्रोल करना है तो ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर इसके दो कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि पूरी तरीके से फुली डिजिटल आपको इसके अंदर देखने को मिले। देखो अभी इस कार में क्या बैटरी नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कितना ब्यूटीफुल है, फिर भी अब जब भी शोरूम पे जाओ तो आप देख लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इस तरफ आपको इसके वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, इस तरफ आपको मिलते हैं इसके हेडलाइट यूनिट के कंट्रोल। अब बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो सेंटर कंसोल में देश की कंपनी ने सबसे पहले ये ध्यान रखा है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, अब अपने कोई भी इष्ट की जो मूर्ति वगैरह जो आप यहाँ पर लगा सकते हो उसके लिए एक अलग सी जगह जो है वो दी गई है। यहाँ पर इसके एसी वेंट मिलते हैं, बीच में इसका हेडजार्ट लैंप मिलता है और इसके ही जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है इसका म्यूजिक सिस्टम की डिस्प्ले। फिर जो है आप इसके अंदर आपको फिजिकल बटन जो है वो भी मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं ये इसका फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई डिस्प्ले नहीं दी गई है जो कि कंपनी को देनी चाहिए। एसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस डिस्प्ले में मिलती है, लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर एक डिस्प्ले और होती तो बहुत अच्छा हो जाता। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक USB टाइप ए का पोर्ट दिया गया है, एक 12 पावर सॉकेट दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस और मिल जाता है। फिर बात करें तो ये आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो मिल जाता है।
ये आपको देख रहे हो, ये इसके तीनों पेडल्स जो है वो मिल जाते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ क्लच की, तो बटर स्मूथ एक्चुअली बहुत ही बढ़िया इसके अंदर आपको क्लच जो मिल जाता है, बहुत स्मूथ क्लच है इसका, इतना स्मूथ क्लच तो मैंने किसी कार में देखा ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्लव बॉक्स की, तो देखो ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आपको इसका ग्लव बॉक्स मिल जाता है, सेगमेंट में सबसे बड़ा ग्लव बॉक्स मिलता है और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ठीक है। एसी वेंट का जो डिज़ाइन है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, सभी कंपनियों में एक्चुअली टाटा की जो एसी वेंट्स है वो मुझे अच्छे लगते हैं साइड वाले, क्योंकि ये इस तरीके से अपनी तरफ ऐसे टिल्ड होते हैं, हवा ऐसी सीधी नहीं जाती, ऐसे टिल्ड है तो वो हवा जो है वो बैठने वाले की तरफ ही आती है, उस तरफ जो है नहीं जाती। ये कंपनी ने बहुत अच्छा इसके अंदर ध्यान रखा है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेंटर के अंदर, ये आपको यहाँ पर जो है कप होल्डर मिल जाता है, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये इसका पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, एक वाटर होल्डर जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। टच एंड मटेरियल की बात करें तो देखो है तो हार्ड प्लास्टिक ही, लेकिन काफ़ी अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया गया है, प्लास्टिक में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगी। आपको इसके अंदर दो एयरबैग जो मिल जाते हैं, एक आपको यहाँ पर मिलता है, एक आपको एयरबैग यहाँ पर मिलता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंजन वे, अगर हम इंजन वे को खोलने के लिए इसका लीवर देखें तो आपको लीवर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे लीवर को ओपन करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन, फोर स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये कार आती है, और इसका जो इंजन हुड है ये बहुत ही भारी है, क्योंकि वो जो फोर स्टार की सेफ्टी रेटिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, बहुत भारी है ये। और ये जो आपको देख रहे हो ना, ये इसका इंजन वे है, काफ़ी तरीके से वेल्ड कवर मिलता है, हाँ थोड़ी धूल मिट्टी है पर ये अच्छे तरीके से आपको नीट एंड क्लीन मिलता है, स्पेस आपको इसके अंदर अच्छा मिलता है, जिससे अगर आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अच्छे तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको CVT ESP की जो किट है वो आपको इस तरफ देखने को मिलती है।